हाय, दिस इज मन शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। उसके पहले हम लोग आज के मैसेजेस देख लेते हैं टेलीग्राम चैनल में। आज मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने एक ट्रेड दिया था विप्रो बाय 476 में, और इसमें 490-495 का मैंने टारगेट दिया था। काफी अच्छा पैसा आया इसमें, 492 तक इसने हाई बनाया था। उसके बाद मैंने अशोक लेलैंड बाय दिया था, ये कॉस्ट प्राइस के आसपास ही हम लोगों ने एग्जिट किया। M&M में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया और ICICI बैंक सेल जो था उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर मैंने बैंक निफ्टी में कॉल सेल दिया था, इसमें कुछ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। और निफ्टी का जो फ्यूचर सेल ट्रेड दिया था वो ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर 14,270 के बिलो सेल करने के लिए बोला था और 14,270 का लेवल आया ही नहीं, तो ये जो ट्रेड है वो ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 1 बजे के आसपास 12:56 को बैंक निफ्टी का 31,500 का पुट सेल करने दिया, ये जीरो हो गया। 200 में मैंने सेल दिया था, 160, 120, 180 का मेरा तीनों टारगेट अचीव हुए, और उसके बाद ये पुट जीरो हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी 31,700 के आसपास एक्सपायर हुआ। और ये मैंने जैकपॉट ट्रेड दिया था 31,800 का कॉल बाय, 15 का इसमें स्टॉप लॉस था। पहले इसने लो बनाया 16.30 का, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने ये कॉल एग्जिट किया 31-32 के आसपास, क्योंकि मैंने जो सेल पुट ट्रेड था उसमें काफी अच्छा पैसा कमा लिया था, तो इसमें मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, इसमें मैंने पोर्शंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था 31-32 के आसपास। लेकिन ये कॉल ने भी काफी अच्छा हाई बनाया, 49 के आसपास इसने हाई बनाया, तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा, डेली चार्ट पे वही स्टोरी है, लगातार मैं आपको 3-4 वीडियो से यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जो लास्ट स्विंग हाई है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी यहाँ पर फंसा हुआ है, जब तक ये 14,600-700 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक फ्रेश अप मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। 14,700 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो हायर चांसेस है ये 52 वीक हाई भी क्रॉस कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 14,600-700, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये स्विंग हाई का भी रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन अभी तक तोड़ा नहीं है, ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि ट्रेंड लाइन तोड़ता है या नहीं तोड़ता, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। क्लोजिंग इसने डेली चार्ट पे काफी अच्छा दिया है, 14,400 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है, कल के सेशन में हमें बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, 14,300 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंट्राडे डिप में आपको बाइंग करना है 14,500-14,600 तक के टारगेट के लिए। तो जो व्यू है वो बुलिश होना चाहिए, 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंट्राडे में डिप में आपको बाइंग करना है 14,500-14,600 तक के टारगेट के लिए। अगर निफ्टी का हम लोग 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करें तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये जो गैप रेजिस्टेंस था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, गैप डाउन भी हुआ, ये लेवल तोड़ा, वैसे ही एक बड़ा फॉल देखने मिला, गैप अप हुआ, लेकिन वापस जब ये लेवल टूटा तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। अब एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है, आप देख सकते हो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार ये टेस्ट हो चुका है। अगर 14,400 के ऊपर सस्टेन करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ये पूरा गैप फिलिंग कर सकता है, 14,650 तक पूरा ये गैप है, ये पूरा गैप फिल कर सकता है, यहाँ पर जो गैप बचा हुआ है ये गैप फिलिंग पूरा कर सकता है। सो 14,620-630 तक निफ्टी जा सकता है। सो कल अगर 14,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिलता है तो भी आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 14,500-14,600 तक के टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, बैंक निफ्टी डेली चार्ट पर भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन अभी तक इसने तोड़ा नहीं है, ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पर ये जो स्विंग हाई था, लास्ट स्विंग हाई, एग्जैक्टली ये पॉइंट भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओवरऑल जो व्यू है वो अभी भी साइडवेज है, क्लियर व्यू नहीं है, लेकिन आज का जो मोमेंटम है वो कल के सेशन में कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में, और ये जो मोमेंटम है ये 32,500 तक जा सकता है, यहाँ से 700-800 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो कल के सेशन में आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिलता है 31,500 के आसपास, काफी अच्छा बाय रहेगा, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखना। 31,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 32,000-32,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। सो जो मोमेंटम है वो बुलिश है, आपका व्यू बुलिश होना चाहिए और बाइंग की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। 33,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, की लेवल होगा,
क्योंकि 33,000 के बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर 33,000 क्रॉस कर लेता है तो एक फ्रेश अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है और फिर 52 वीक हाई भी ये रिटेस्ट कर सकता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस के आसपास 32,800-32,900 के आसपास ये लास्ट स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं वहां पर जाके फंस सकता है बैंक निफ्टी। तो 32,800 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने की राय होगी और फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि 33,000 अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फ्रेश बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। बट अभी फिलहाल जो कैंडल बना है आज के ट्रेडिंग सेशन में ये बुलिश कैंडल है और आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इमीडिएट जो टारगेट दिख रहे हैं वो 32,000 और 32,500 तक के टारगेट दिख रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छी वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर आप देखो ओवरऑल दो गैप पेंडिंग है, एक तो ये वाला गैप पेंडिंग है और एक ये वाला गैप पेंडिंग है। ये दोनों गैप पूरा फिलअप हो सकता है, यानी जो पहला टारगेट आता है वो 32,000 के आसपास आता है, नेक्स्ट जो टारगेट आता है वो आता है 32,800 के आसपास। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। 32,000 और 32,500-32,800 तक के टारगेट के लिए हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाइंग रहेगा, 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कल रात को अनाउंसमेंट हुआ था कि महाराष्ट्र में भी कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है, रिस्ट्रिक्शंस और इंक्रीज हो सकते हैं, फिर भी मार्केट पॉजिटिव कैसे हुआ। अब ध्यान से समझना साइकोलॉजी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ज्यादातर लोग एसजेएक्स निफ्टी देख रहे होंगे वेनेसडे को, जब एसजेएक्स निफ्टी ने 14,025 का लो बना दिया पीएम के स्पीच के बाद में, और उसके बाद अनाउंसमेंट भी आया कि महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है और रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ सकते हैं। सो जो न्यूज था वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। और आज अगर आप ओपनिंग देखो एसजेएक्स निफ्टी 200 पॉइंट माइनस था, 14,000 के आसपास था वेनेसडे को, लेकिन आज अगर ओपनिंग देखो तो एसजेएक्स निफ्टी ओपन ही हुआ 14,200 के आसपास, यानी वेनेसडे का जो लो था उससे 200 पॉइंट प्लस ऑलरेडी ओपन हुआ था। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल पॉइंट समझना, लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है मार्केट में और लॉकडाउन अगर लगेगा तो और पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट उतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ नहीं, निफ्टी उतना बड़ा गैप डाउन हुआ नहीं जितना एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं नेगेटिव न्यूज बट पॉजिटिव प्राइस एक्शन, मतलब खराब से खराब न्यूज था, बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए था एज पर एसजेएक्स निफ्टी, लेकिन हमारा जो निफ्टी है आई थिंक 70-80 पॉइंट के आसपास ही गैप डाउन हुआ था आज ओपनिंग में, उससे ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं था। उसके बाद हमें तुरंत ही पहले ही कैंडल से बाइंग हमें देखने को मिली। अगर आप पहला ही कैंडल देखो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये पॉजिटिव कैंडल था और हैमर कैंडल था, हैमर मतलब बुलिश कैंडल होता है। सो पहले ही कैंडल में पता चल गया था कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना है एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज के सामने, एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज था। ज्यादातर लोग बेरिश थे मार्केट में, ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि आज ये 14,000 का लेवल भी तोड़ देगा, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था वेनेसडे को। बहुत सारे लोग आज शॉर्ट में थे, बेरिश व्यू था और काफी नेगेटिव न्यूज भी आया था मार्केट में, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि आज मार्केट गिरेगा। लेकिन आप पहला ही कैंडल देखो, पहला ही कैंडल ग्रीन कैंडल बना, हैमर कैंडल बना, तो पहले ही कैंडल ने आपको बता दिया था कि नेगेटिव न्यूज है लेकिन प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। और मुझे भी लगा था कि पहले ये जो गैप है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेकर वापस गिर सकता है, इसलिए मैंने निफ्टी में सेल दिया था 270 के आसपास, लेकिन वो लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ। उसके बाद हमें एक वन साइडेड रैली हमें देखने को मिली। सो ये लेवल के आसपास मेरा व्यू भी थोड़ा बेरिश था, 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैंने सेल दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये गैप फिल कर चुका था तो हायर चांसेस था कि गैप फिलअप होने के बाद गिर सकता है, लेकिन वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। 270 का लेवल जब ट्रिगर नहीं हुआ और उसके बाद जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ तब मैंने बैंक निफ्टी में एग्रेसिव पुट शॉर्ट्स करना चालू कर दिए। 31,300, 31,400, 31,500 ये सारे पुट्स मैंने एग्रेसिवली शॉर्ट्स किए थे, और मैंने 31,500 पुट सेल का जो ट्रेड है वो टेलीग्राम चैनल में भी दिया था और उसमें आपको काफी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि मैंने 200 रुपये में सेल दिया था और वो जीरो एक्सपायर हुआ है। सो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, नेगेटिव न्यूज पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन कैसे होता है ये समझना पड़ेगा, पॉजिटिव न्यूज पे नेगेटिव प्राइस एक्शन कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ईच एंड एवरी जो पैटर्न है और ये जो कैंडल्स है ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा कैंडल आपको क्या बता रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको पोजिशन शिफ्टिंग करना आना चाहिए। आज मॉर्निंग में 14,300-320 के आसपास मेरा भी व्यू थोड़ी देर के लिए बेरिश हो गया था निफ्टी में, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा पोजिशन रिवर्स किया और बैंक निफ्टी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो उसमें मैंने एग्रेसिवली पुट शॉर्ट्स करना चालू कर दिया। अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज का नॉलेज है
तो हाईली एडवाइजेबल होगा कि आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड करो, क्योंकि उसमें आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क प्री डिफाइंड होता है, प्रॉफिट प्री डिफाइंड होता है, और उसमें गैप अप गैप डाउन रिस्क भी कवर होता है, मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क भी कवर होता है। तो काफी अच्छे तरीके से, काफी सेफ तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो उसमें। तो अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग लेवल 1 कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका फीस जो है वो 2999 है, और इसके साथ में हम लोग डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट एनालिसिस भी सिखाते हैं। अगर आप F&O सेगमेंट में ट्रेड करते हो तो ओपन ट्रस्ट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ओपन ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है F&O सेगमेंट में। आपको पोजिशंस बिल्डअप समझना आना चाहिए कि कहां पर लॉन्ग बिल्डअप पोजिशंस हो रहा है, कहां पर शॉर्ट बिल्डअप पोजिशंस हो रहा है। ये कोर्स में मैंने आपको पूरा डेटा एनालिसिस सिखाया है कि ओपन ट्रस्ट के बेस पे आप कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हो, और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में किस टाइप का पोजीशंस बिल्डअप्स हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। प्योर एंड प्योर डेटा एनालिसिस का कोर्स है ये। इसमें हम लोगों ने कोई चार्ट वगैरह नहीं सिखाया, सिर्फ डेटा एनालिसिस करना सिखाया कि ओपन ट्रस्ट का डेटा लाइव मार्केट में और ऑफलाइन जब मार्केट बंद है तो कैसे एनालिसिस करते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, प्राइस के बारे में पूरा डिटेल में सीखना है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस एल्गो के साथ में, हम लोग एल्गो के साथ में सिखाते हैं, तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। जितने लोगों ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन किया है, काफी अच्छा रिजल्ट है, काफी अच्छा फीडबैक है, और वो काफी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी। इससे बेटर है कि आप अपने आप पे लर्निंग पे थोड़ा स्पेंड करो और अपना ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करो। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।